अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन माय गार्डन। अच्छा, ये मेरे इफोर्बिया मिली मिनी वैरायटी है। अच्छा, ये बड़े अच्छे प्लांट होते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। और अगर आप मार्केट में देखें इसको, तो ये अभी तो वैसे इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर, और कहीं कहीं तो बड़े कॉस्टली ये प्लांट अवेलेबल हैं और इजीली आपको नहीं मिल रहे। और वो कुछ नर्सरी वाले तो आपको इस को सेल भी नहीं करना चाह रहे। सेकंड, इसके बारे में मैं आपको बात बताऊं कि ये जो प्लांट है ये स्टेम के ज़रिए से भी ग्रो हो जाता है। अगर मैं इस प्लांट की स्टेम की बात करूं तो इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े लंबे लंबे से थ्रोन होते हैं इसके अंदर, जो कि रिपोर्टिंग और एक्सचेंज या उठाने और रखने के दौरान आपको लग सकते हैं। लेकिन इसके मार्केट में इसके थ्रोन के बगैर भी कुछ वैरायटी अवेलेबल होती हैं। लेकिन ये जो मिनी वैरायटी इसमें नज़र आ रही है, ये मेरे पास तो थ्रोन वाले हैं, और मेरे पास टू वैरायटी है, एक ऑफ वाइट कलर है, एक रेड कलर है, जो कि आप अगर आप अपने गार्डन में रखते हैं तो बड़ी खूबसूरती देते हैं आपके गार्डन को। ये छोटे छोटे इसके फ्लावर होते हैं, एक होते हैं जो बड़ी इसकी वैरायटी आती है, उसमें यही इसी स्टाइल के फ्लावर आते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, और ये जो मिनी वैरायटी है इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। अच्छा, वाटर प्रोपेगेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वाटर प्रोपेगेशन इसका ईजी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसके अंदर मैं 15 डेज़ भी अगर पानी ना डालें तो भी ये आपका इजीली ग्रो करता रहेगा, और ये आपका प्लांट ख़त्म नहीं होगा और ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहेगा। अच्छा, फ्लावरिंग भी इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत अरसे तक चलती है, और अगर एक दफ़ा फ्लावर ब्लूम कर जाते हैं तो इसके फ्लावर 4 मंथ से 6 मंथ तक आपके प्लांट में रहते हैं, उसके बाद कुछ जाके ये इसकी ब्लूमिंग ख़त्म होनी शुरू होती है। और इसकी अगर मैं कंपोस्ट की बात करूं तो इसके अंदर कुछ वेल ड्रेन कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, और जिससे इजीली ग्रो करते हैं ये 40% सैंड और 40% सॉइल और 20% काउ कंपोस्ट से भी ये प्लांट इजीली ग्रो करते रहते हैं। अच्छा, आप इसको अपने टेरेस में किसी हैंगिंग प्लांट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी से ग्रो नहीं करते। ये मेरा मैंने ये प्लांट 1 साल पहले परचेस किया था, और ये अब तक इसकी ग्रोथ आप देखेंगे कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन थोड़ा सा बुशी सा हो गया ये मेरा प्लांट। अच्छा, फर्टिलाइज़र की कोई इतनी ख़ास इसमें नीड नहीं होती है, तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आता है, फर्टिलाइज़र जो होता है काओ कंपोस्ट का, वही इसके ऊपर आप कंपोस्ट तैयार करने के बाद, इसको कंपोस्ट में लगाने के बाद ऊपर ऊपर इसके यहाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा समर में इसको यहाँ तक काओ कंपोस्ट आप फैला सकते हैं, उसमें भी बड़े अच्छे ग्रो करते हैं, और फ्लावरिंग भी थोड़ा सा फ्लावरिंग साइज़ भी इसका बढ़ जाता है। थोड़े सी ये हार्डी प्लांट कहलाते हैं। अच्छा, इसके जो लीव होते हैं बड़े छोटे छोटे से इसकी देखें, थोड़ा सा ओवल शेप के इसके लीव हैं, और ये आउटडोर ग्रो करते हैं, ये प्लांट जो हमारे आउटडोर ही ग्रो करते हैं, सनलाइट की डायरेक्ट सनलाइट में आप भी रखें आप इसको, तो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते रहेंगे, और ज़्यादा अरसे तक ये प्लांट आपका चलता रहेगा। इसको ग्रो करने के लिए सनलाइट की ही नीड होती है, और ये बहुत अच्छा चलता है ये प्लांट। अच्छा, ये पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, लेकिन आजकल ये इसके प्राइस बड़े हाई हैं मार्केट में, एग्जीबिशन में भी डबल प्राइजेस में ये प्लांट सेल हो रहा है, इजीली नहीं अवेलेबल। कहीं एक दो के पास है तो वो आपको इस प्लांट्स को नहीं दे रहे, तो इजीली आपको नहीं मिल रहा है ये। अच्छा, समर ये तो वैसे तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है ये प्लांट, लेकिन समर विंटर के जाते ही कुछ फ्लावरिंग इसकी ज़्यादा हो जाती है, और समर तक ये बहुत अच्छा चलता है आपका प्लांट। मैंने इस प्लांट को इस जगह पे रखा हुआ है, और बड़ा निगलैक्ट ही है ये मेरा प्लांट।
थोड़ा सा ये एयर प्योरीफाई प्लांट कहलाता है और जो कि सीड से ग्रो होता है, इजीली ग्रो हो जाता है और इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक कटिंग लेंगे तो 3 से 4 मंथ में इसकी कटिंग सक्सेसफुल होती है। यहाँ से हम अगर कटिंग ले लेंगे और इसे किसी कंपोज में अगर हम लगा देंगे तो 4 से 6 मंथ में जाके आपकी कटिंग सक्सेसफुल होगी, उससे पहले आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छा, इसके लीव्स अगर आप वाटरिंग करते हैं तो थोड़े थोड़े से आपको ऐसे लगेंगे, मैट मैट से होते हैं, थोड़े मैट से लगते हैं। अच्छा, आपको इस प्लांट को इतनी प्रूनिंग की इतनी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती आपको कि आप इसको प्रूनिंग करें, और ना ही इसमें पेस्टिसाइड का कोई अटैक होता है। ये इजीली प्लांट आपका चलता रहता है, क्यों ना ही आपके पास ये निगलैक्ट में ही पड़ा हुआ हो प्लांट। अच्छा, इसमें जो आप जो ऑल टाइप की जो इसमें कंपोज होती है उसी टाइप की आप इसमें कंपोज यूज़ करते हैं और ये इजीली बहुत अच्छा ग्रो करता है। पूरा साल ये आपके गार्डन को खूबसूरती देता है, समर हो या विंटर हो फ्लावरिंग इसकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी मेरी थोड़ी सी मैं दिखाऊँ इस रेड वाले वैरायटी की फ्लावरिंग कम है, ये मेरी विंटर के जाते ही बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा होता है ये प्लांट। और ये इसकी दूसरी वैरायटी है, कुछ ऑफ वाइट कलर है जो कि आप देखें इसके अंदर, मैं आपको थोन भी दिखाएँ, ये थोन होते हैं इसके अंदर जो कि रिपोटिंग या करते दौरान भी आपके हाथों में लगने का बड़ा खदशा होता है इसमें। अच्छा, मैं वीडियो को एंड करती हूँ और आप मेरे वीडियो को बड़ा लाइक कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं दोबारा मैं आपके साथ हाज़िर होंगी और कुछ न्यू प्लांट इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और कुछ थीम्स होंगी, कुछ अच्छा टॉपिक होगा। अब मैं ओके, अल्लाह हाफ़िज़।